दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। देखिए भारत में कोविड की दूसरी लहर के बाद फिर से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, अर्थात ये अपना रूप बदलकर वापस से हमारे बीच में पहुँच चुका है। इससे बचने के लिए आपको हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कि आखिर ये है क्या, इसके लक्षण क्या क्या हैं और बचाव कैसे किया जा सकता है। दोस्तों कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को B.1.617.2 कहा गया है और ये म्यूटेंट होकर डेल्टा पॉजिटिव या AY.1 में भी बदल गया है। ये वायरस दुनिया के अनेक देशों में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। दोस्तों इसकी प्रथम जानकारी इंग्लैंड की पब्लिक हेल्थ बुलेटिन द्वारा दी गई थी। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक में K417N म्यूटेशन के जुड़ जाने से ये डेल्टा पॉजिटिव वेरिएंट बन गया है और यही K417N साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के बीटा वेरिएंट और दोस्तों ब्राज़ील में मिले गामा वेरिएंट में भी ऐसा मिला है। दोस्तों इन मामलों ने भारत के साथ साथ अन्य विश्व के देशों की भी चिंता बढ़ा रखी है और ये प्रथम व द्वितीय लहर से भी बहुत खतरनाक माना जा रहा है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के कम ही मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें लगातार धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। WHO की माने तो इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को वायरस ऑफ कंसर्न कहा गया है। दोस्तों क्या इस वेरिएंट से तीसरी लहर की आशंका है? देखिए इसके लिए एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। भारत में यदि थर्ड वेव आती है तो इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट ही जिम्मेदार होगा। इसमें एक्टिव केसेस 8 से 10 लाख तक जा सकते हैं, जिसमें 10% बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है हो सकता है थर्ड वेव आए ही नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। देखिए डेल्टा पॉजिटिव जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, साथ ही अधिक संक्रामक और आक्रामक भी है और ये फेफड़ों की कोशिकाओं में मजबूती से चिपकता है। देखिए फेज 1 और फेज 2 के अंदर तो ऐसा था कि वो थोड़ा सा जो वायरस था वो वीक था, लेकिन ये वायरस ऐसा है कि ये फेफड़ों में मजबूती के साथ चिपकता है या चिपकने में सक्षम है और साथ ही ये आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी चकमा देने में बहुत माहिर है। जो लोग डेल्टा पॉजिटिव वेरिएंट की चपेट में होंगे उनमें देखो क्या क्या हो सकता है। पहली बात है गंभीर खांसी और जुकाम, जो कि वेव फर्स्ट और सेकंड से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगी। कोल्ड जो सिस्टम्स हैं वो पिछले वायरस से अलग होंगे। सरदर्द, गले में खराश, नाक का बहना, ये आम लक्षण हैं। इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर होगा, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये फेफड़ों को बहुत मजबूती के साथ पकड़ता है। दोस्त इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं? देखिए घर से बाहर केवल ज़रूरत हो तभी आपको निकलना है, मास्क आपको हमेशा पहनना है, अच्छे से हाथ को धोना है, अपने आप को सैनिटाइज रखें या हमेशा सैनिटाइजर का यूज करें, चाहे आप घर में हैं तो और चाहे बाहर हैं तो। आपको हमेशा जो शारीरिक दूरी है वो 6 फीट के आसपास रखनी है। अपने आसपास यदि कोई गंदगी है तो उसको आप साफ रखें। आप यदि मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस सामान को आपको यूज करने से पहले डिसइनफेक्ट करना है। आपको वैक्सीनेट होना है, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, आपके जान पहचान के लोग सभी को बोलना है कि वैक्सीन लगवानी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाने हैं या टेस्ट की संख्या बढ़ानी है। अपने आसपास कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करें जिससे केसेज बढ़ने की आशंका हो, जैसे सामूहिक बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग समाज में करते हैं तो उनको कुछ दिनों के लिए टाल देना है। दोस्तों इस तरीके से आप यदि करेंगे तो हम लोग सभी डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसको भी मात देने में सक्षम होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, ये एक बड़ा ही पुण्य का कार्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।